हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एंथोरियम फ्लावर प्लांट के विषय में जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एंथोरियम फ्लावर प्लांट्स होते हैं वो अरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके कॉमन नाम फ्लेमिंगो फ्लावर, टेल नेस्ट एंथोरियम, पेंटेड टंग प्लांट, वाटर ड्रैगन एंथोरियम आदि होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंथोरियम फ्लावर प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए जो एंथोरियम फ्लावर प्लांट होता है उसके लिए ऐसी लाइट चाहिए होती है जो कि ब्राइट तो हो लेकिन इनडायरेक्ट लाइट हो, यानी कि एंथोरियम फ्लावर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से इसकी लीव्स में क्रोच हो सकता है। और इसे लो सनलाइट में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लो सनलाइट से इसकी पत्तियां डल हो सकती हैं तथा जो फ्लावर्स है वो छोटे छोटे हो सकते हैं और इसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। इस प्लांट को ऐसी जगह में रखें जहां पर हर रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे तक इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। इसको अच्छी तरह से पानी की ज़रूरत पड़ती है तथा पानी को तब तक डालना चाहिए जब तक कि जो मिट्टी है कुछ इंचेस गीली नहीं हो जाती है और ड्रेनेज होल से पानी आना शुरू नहीं हो जाता है, तथा इस प्लांट के लिए ओवर वाटरिंग को अवॉइड करना चाहिए। जितने अधिक इनडायरेक्ट सनलाइट और गर्मी से प्राप्त होगी उतनी ही जल्दी इसका जो मिट्टी का पानी है वो सूख जाएगा। इसलिए आपको कुछ दिनों में चेक करना चाहिए कि मिट्टी ड्राई ना हो गई हो। ये प्लांट थ्रस्टी और स्ट्रेस में होने के संकेत देते हैं, आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अगर ये प्लांट थ्रस्टी है तो इसको उठाने पर आपको ये हल्का प्रतीत होगा तथा जो लीव्स हैं वो प्लग करने पर आसानी से आपके हाथों में आ जाएंगी। आपको इन्हें ठंडियों में पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय इनकी ग्रोथ धीमे धीमे होती है। हेलो दोस्तों, अब अगर इनके सोयल की बात करें तो जो एंथोरियम प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए सोयल की इतनी अत्यधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो मॉइस्चर होते हैं हवा से लेते हैं तथा जो ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं वो अपनी सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो उसके आसपास के ट्री और डेड लीव्स और प्लांट्स होते हैं उनसे ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। इसकी मिट्टी में काफ़ी ड्रेनेज मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि परलाइट, सैंड, जिससे कि मिट्टी जो है काफ़ी पोरस हो जाए और पानी आसानी से ड्रेन हो सके। इसकी मिट्टी के तौर पर आप मोस्ट बेग्ड सोयल, पोटिंग सोयल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें पानी तभी डालें जबकि मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। हेलो दोस्तों, जो एंथोरियम प्लांट होता है उसको वार्म टेम्परेचर पसंद आता है, पर आप इसे अपने इंडोर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं काफ़ी एडोरेबल होते हैं और कंडीशन को हिसाब से काफ़ी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें और हो सके तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।